प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय के अंतर्गत महू नीमच फोरलेन स्थित कांदरवासा फाटे के पास 5 दिन पहले मिले 2 युवकों के शवों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बहुचर्चित जघन्य दोहरे हत्याकांड को 21 नामजद आरोपियों ने अंजाम दिया था और अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष 14 आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। नामली थाना के कांडरवासा फटे पर गत 22 मार्च को मिले 2 युवक केशव और गजेंद्र के शवों के मामले में क्षेत्र के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है। दोनों गुटों के बीच हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्याकांड से जुड़े 14 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने बुधवार तक की पुलिस रिमांड पर भेजा। वहीं इस मामले को लेकर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने नए पुलिस नियंत्रण कक्ष में पत्रकार वार्ता में बताया कि नामली क्षेत्र में सावरिया और विश्वास गुट के बीच ये विवाद 2020 से चल रहा था। क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये गुट काम करते रहे और यही वजह इनके बीच विवाद का कारण बन गई। नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें जो है वो 4 लेन पे मिली थी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए प्रयास किया गया था और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा जो गाड़ी है उसका भी एक्सीडेंट सामने आया था। दोनों घटनाक्रम को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि दोहरा हत्याकांड का मामला इसके अंदर पंजीबद्ध करके अभी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो मृतक है केशव गुर्जर और गजेंद्र डोड़िया, इन लोगों की आपस में जो रंजिश चल रही थी काना जाट और सूर्यपाल राजपूत और अन्य लोग जो राहुल जाट और अन्य लोग हैं उनके साथ में, उसी की रंजिश को लेकर यह घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जल्दी बाकी बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। डेफिनेटली क्योंकि घटनाक्रम जो है वो आपस में अलग अलग जगह पर काफ़ी दूर भी था, तो जब यह घटनाक्रम सामने आया तो उसके अंदर जो उसकी फॉरेंसिक अधिकारी है उसको भी स्पॉट पर ले जाकर उसे पूरे के पूरा नक्शा मौका भी प्रॉपर बनवाया गया है और साथ साथ में जो क्रेटा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको भी फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी बनाई गई है और दोनों के आधार पे और साथ साथ में पीएम रिपोर्ट के आधार पे ये क्लियर हो गया कि वो मर्डर है। और बाकी फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हम लोगों को काफ़ी कुछ मिले हुए हैं जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो हत्यारे हैं उनके द्वारा किस तरीके से उसकी प्लानिंग की गई है, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं। तो पुलिस के द्वारा जो है ये सारे टेक्निकल एविडेंसेस भी गैदर किए हुए हैं और भी अन्य टेक्निकल एविडेंसेस का हम लोगों ने सहारा लिया हुआ है। इस मामले को हम लोग जो है एक साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन करके हर उस व्यक्ति का जिसका इसके अंदर रोल है उसको गिरफ्तार कर और कोर्ट में सजा दिलवाएंगे। बता दें कि मृतक दोनों युवक केशव और गजेंद्र सावरिया ग्रुप से जुड़े थे और आरोपी विश्वास ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नामली।